हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि छोटा सा शेयर है, ओके, मात्र 15 रुपये का शेयर है और 2 दिन से अपर सर्किट में लग रहा है। उसमें 20% का अपर सर्किट 2 दिन से कंटिन्यूस लग रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि शेयर किस तरीके के भाग सकता है। छोटा सा शेयर है और जैसे कि हम पिछले टाइम से देखते आ रहे हैं शेयर बाज़ार में कि छोटे छोटे शेयर आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं कि 200 रुपये पे, 300 रुपये पे, 400 रुपये पे, ऐसे ऐसे रुपीज़ पे वो पहुंच रहे हैं और अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें ऐसे शेयर को भी थोड़ा बहुत ट्रैक करना चाहिए जो कि मल्टी बैगर शेयर हमारे लिए साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक शेयर है जो कि 2 दिन से अपर सर्किट में लग रहा है। तो आइए उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे, सारे फंडामेंटल्स चेक करेंगे थोड़ा बहुत। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने ही चैनल जो ये बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार आपका चैनल है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं अभी इसे लाइक कर दीजिए। और कोई किसी वीडियो पर आप किसी पर्टिकुलर शेयर पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी, मैं आपको बता से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाना चाहूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो शेयर है क्या। तो जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 15 रुपये का ये शेयर है, ओके। और यहाँ पर हम अगर परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 5 दिन में तो देखिए 10 रुपये पर शेयर चलता था। तो अगर हम देखें तो कितना, लगभग 50% का प्रॉफिट तो यहाँ पर दे ही चुका है ये शेयर। 5 दिन में 50% का प्रॉफिट बहुत मायने रखता है, ओके। एंड 1 मंथ का परफॉर्मेंस भी अगर देखते हैं, 8 रुपये का शेयर यहाँ कहाँ चला गया है। 6 मंथ का भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए जो ये शेयर 15 रुपये का शेयर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 रुपये के शेयर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 रुपये का शेयर बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला तो हो गई होगा। अपर सर्किट भी लगे हैं, प्रोमोटर्स भी होंगे हावी, क्योंकि छोटा शेयर में क्या होता है कि बड़े लोग होते हैं तो वो मैनिपुलेट बहुत इजीली पर्टिकुलर शेयर को कर दे। बट जो भारी शेयर होते हैं जैसे रिलायंस शेयर हो गया, एचयूएल हो गया, जिनका मार्केट कैप ही इतना सारा है तो इतना उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 15 रुपये का शेयर है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बट कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रही है तो हमें उसके ये भी देखना चाहिए कि फाइनेंशियल अगर कुछ अच्छे हैं तो हम उस कंपनी में बने रह सकते हैं। बिजनेस अच्छा है तो बने रह सकते हैं। बट मैं आपको मैक्सिमम भी दिखाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर देखें तो 2007 में 65 रुपये पर शेयर चल रहा था, बीच में गिरा भी है। और 2017 में यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। बट शेयर इसी तरीके से चलता है और ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी, मतलब स्मॉल कैप से भी जो छोटा होता है ना, माइक्रो कैप ऐसी एक ये कंपनी है। तो माइक्रो कैप कंपनी में क्या होता है, डिस्क्लेमर है ये आपके लिए कि जो शेयर ये शेयर में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, मतलब बहुत डिफरेंस होता है इनके रिस्क और रिवॉर्ड रेशो में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, देखिए 15 रुपये के शेयर में ये होता है कि हम 500 1000 रुपये लगा देते हैं, छोड़ दिया, बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो हमारा पैसा, अगर 500 1000 रुपये चला भी गया तो हमें कोई गम नहीं है। बट 500 1000 रुपये अगर 5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये बन गए तो वो किसका जा रहा है, आपके ही हो गए वो। तो वही से इस ये कंपनी ऐसी ही है। और अगर आपको मिलता है देखिए भागती गाड़ी में बैठिए, बट अगर ये आपको कम टाइम में मिलता है तो कम पैसों में मिलता है तो आप इस पर एंट्री कर लीजिए 500 1000 रुपये में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। तो कंपनी क्या करती है तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर एक डेटा दिखा देता हूँ। 52 वीक लो 4 रुपये का था 13 मार्च को और अभी 15, लगभग 3 गुना ये शेयर अभी तक बढ़ चुका है, ओके। इसी लेवल पर ये चल रहा है लगभग, देखिए 50% की, 47% की डिलीवरीज उठाई गई है, शेयर अपर सर्किट में चल रहा है, ओके। सारी सारी डिलीवरीज कह सकते हैं कि सारे शेयर बिक चुके हैं। प्रमोटर्स के पास एक हैंडसम है शेयर होल्डिंग है 74.91% की, पब्लिक के पास 225.10% की। और स्प्लिट की जैसे मैंने बात करी थी 2017 में, स्प्लिट भी हुआ है। देखिए प्रमोटर यहाँ कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, वो एक गलत बात है। और एक दूसरी नेगेटिव बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर प्लेजिंग, इनके जो शेयर प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर की प्लेजिंग कर रखी है, कितनी है, 22.26, जो कि थोड़ी हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। बट प्राइस कम है शेयर का, ओके। इसकी बुक बिल्डिंग भी काफ़ी कम है तो इसलिए हमने मैंने ये शेयर आपके लिए चूज़ किया है। 2 दिन से अपर सर्किट भी लग रहा है
और कहते हैं कि 25% तक, देखिए 25% तक अगर रहता है तो ठीक है, 25 से ऊपर चला जाता है तो हम थोड़ा, हमें बिवेयर होना चाहिए एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। बट ऐसे हम ऐसे भी शेयर हमने देखे हैं कि जिनके जिन्होंने प्रमोटर्स ने अच्छे खासे मतलब 40-40-50-50% के शेयर अपने प्लेस कर रखे हैं, बट बाद में छुड़वाए भी है और कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, और एज वेल एज कंपनी स्प्लिट तो होती है, बोनस भी देती है। तो ऐसी हम कंपनी हम पिछले 6-7 महीने में देखते आए हैं। तो कंपनी का नाम क्या है, तो मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड, जैसे कि इसका नाम ही दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये कंपनी है। ओके एंड मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंपनी करती क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर का नाम दे रखा है, देखिए होल्डिंग ए कंपनी, द कंपनी मैन्युफैक्चर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर ही ये कंपनी बनाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और बताना चाहता हूँ ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। 2019 में दिसंबर में आई थिंक इन्होंने अच्छा, इन्होंने 1.6 बिलियन के आसपास, आई थिंक 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास इन्होंने, 1 बिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया था नाइजीरिया को। तो ये सारे हो गए फाइनेंशियल भी हम अगर इसमें देखेंगे। तो मैं आप कुछ आपको न्यूज़ भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही एक 98 करोड़ रुपीज़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, जब जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली 4 दिन पहले की बात है। ओके तो 98 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है जीटी गैटको से, ओके GETCO। तो उस वजह से ये शेयर थोड़ा अपर सर्किट में भाग रहा है। तो ये छोटी छोटी कंपनी पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके ये छोटी छोटी कंपनी हमारा पैसा बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। देखिए 500,000 रुपये में जाता कुछ नहीं है, बट अगर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे शेयर को पे ही बड़े बड़े लोग पैसे दाव लगाते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अगर इस तरीके का मौका आपको भी मिले तो क्यों छोड़ना है ऐसे ऐसी ऐसी कंपनीज को। जैसे कि मैंने बताया था माइक्रो कैप कंपनी है, 200 करोड़, 210 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। ओके एंड अगर आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 7.67% का इसका आरओसी है। देखिए और एक चीज़ बताऊंगा, प्रॉस देखिए, देखिए बुक जो इसकी बुक वैल्यू है, ओके उसके 0.62 टाइम्स ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए कम यहाँ पर देखिए कॉन्स में भी हम पॉजिटिविटी देखेंगे। देखिए थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेडली प्रॉफिट, तो मतलब क्या है कि कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट कर रही है। ओके बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट पेइंग आउट डिविडेंड, मतलब डिविडेंड नहीं दे रही है बट प्रॉफिट तो कर रही है। मतलब इसमें ही हम देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। कॉन्स में भी हमने हमने नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली। तो यही एक तरीका होता है किसी एक पर्टिकुलर शेयर को चूज करने का भी। और अगर हम बात करें, देखिए पीएस कंपनी तो बहुत सारी है, सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स देखिए लगभग मार्च में और सेप्टेम्बर जू सॉरी जून में कंपनी के से वो Q1 में और इस जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल Q4 में, ओके इनकी सेल्स कुछ खास नहीं थी, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उससे बढ़ती बढ़ती हमें यहाँ पर 175.09 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर हमें सेल्स होती दिखाई दी है। एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से हुए 155.13 करोड़ रुपीज़ के, जो कि घटते बढ़ते मैनर में है, बट इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये चलते नज़र आ रहे हैं। बट लगता है कि आगे चल के ये कंपनी और अच्छा अपना, जैसे कि अभी तो कोविड था तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, ओके जैसे कि सभी बिजनेस में आई है, बट आगे चल के हमें ये बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होते हुए दिख सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव Q4 लास्ट ईयर के Q4 और यहाँ पर Q1 में नेगेटिव इसने प्रॉफिट दिखाया था, वहीं पर यहाँ पर उसका पॉजिटिव मतलब 3.31 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया, और पॉजिटिव इनका 0.25 का EPS है, जो कि कंजिक्यूटिव ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्ट ये वाला पार्ट को छोड़ के, 2000 मार्च 2019 को छोड़ के। तो EPS भी यहाँ पर बढ़ता हुआ में नज़र आ रहा है। ओके एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो देखिए बैलेंस शीट में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, रिजर्व्स देखिए कंटिन्यूस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगभग 322 करोड़ रुपए के कंपनी के पास, एक छोटी सी कंपनी 210 करोड़ की कंपनी 322 करोड़ के रिजर्व्स, तो देखिए कितना अच्छी बात है, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। बोरइंग की बात करें तो बोरइंग कंपनी के पास ऑब्वियस है, बट बोरइंग देखिए घटने पहले बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, ओके और फिर लास्ट को फिर देखिए 2018 से कंटिन्यूसली बोरइंग कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, 263 फिर 308 और अभी देखिए 273 करोड़ रुपीज़ की बोरइंग है, जो कि पिछले मार्च से हमें कम नज़र आ रही है, 2019 से कम नज़र आ रही है, सॉरी 2018 से हमें काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो इसकी बोरिंग पे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी कर्ज को भी निपटा रही है। एसेट की बात की जाए
883 करोड़ रुपीस के कंपनी के पास एसेट भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हम अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 74.91, देखिए 2017 से यही पैटर्न में चलते आ रहे हैं, बल्कि 2019 में उन्होंने थोड़ी सी 0.01% की हिस्सेदारी और बढ़ा दी थी। DIS की बात करें तो DIS इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, गवर्नमेंट इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारे के सारे बाकी के शेयर रिटेल इन्वेस्टर ने ले रखे हैं यहाँ पर। तो इस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी FIIs नहीं है, DIIs नहीं है, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड को इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं है, बस ये है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि वो FIIs और DIIs हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर उन्होंने नहीं ले रखा तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई। बट मैं आपको बस ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि 2 दिन से देखिए अपर सर्किट में चल रहा है, 5 दिन में 50% के रिटर्न दे दिए हैं, तो इसलिए इस कंपनी में अगर 500,000 रुपये लगा देते हैं तो कोई बड़ी बात माई बाप नहीं हो गया। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले पहली बात तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज पर्पज से वीडियो थी, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस कंपनी के बारे में दे दी, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में और पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल को जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये ग्रो में ये चैनल ग्रो हो सके और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ डेली बेसिस पे और भी ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।